आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि एक महिला कई लोगों से शादी करती है और उनके पैसे लेकर फरार हो जाती है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर में सामने आया, जब फूलचंद कुशवाहा नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी से तंग आकर एसपी ऑफिस में गुहार लगाने पहुंचा और बताया उसकी पत्नी के कई पति हैं। पीड़ित पति ने पुलिस से गुहार लगाते हुए चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि उसकी पत्नी के कई पति हैं। न सिर्फ उसने कई शादियां की हैं, बल्कि उसने अपने सभी पतियों पर केस भी कर रखे हैं। फूलचंद की शिकायत के बाद मामले की जांच महिला थाने में शुरू हुई। फूलचंद की पत्नी विनिता उर्फ ब्रजेश उर्फ सलमा पर महिला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। फूलचंद को न्याय मिलने की उम्मीद बनने ही लगी थी कि अब इस मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल फूलचंद की पत्नी ने उसके खिलाफ कोतवाली थाने में बीएनएसएस की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। जैसे ही फूलचंद को इसका पता चला तो वह एक बार फिर एसपी ऑफिस गुहार लगाने पहुंचा। पीड़ित ने बताया कि छतरपुर एसपी आगम जैन ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में सही जांच कराई जाएगी, जो भी गलत होगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। लेकिन फूलचंद का कहना है कि अगर ऐसे ही मेरी पत्नी मुझे प्रताड़ित करती रही तो एक दिन मैं आत्महत्या कर लूंगा। मेरी पत्नी है, उसने पहले से ही चार चार पाँच पाँच शादियाँ कर रखी थी, तो मैंने उसके खिलाफ में आवेदन दिया था एसपी सर को बहुत 2-3 महीने पहले, तो उस पर FIR भी हो चुकी है 420 की। इसके बाद जब से उसके ऊपर FIR हुई है, जब से मुझे परेशान कर रही है। अभी हाल ही में उसने 19 तारीख को मेरी एक भारी FIR कर दी। उसकी शिकायत करने में साहब के यहाँ आया था तो साहब ने आश्वासन दिया है कि जांच करेंगे केस में। टोटल फर्जी मुकदमा है और ऐसा ही मुकदमा उसने कुछ दिन पहले 3 महीने पहले परवेज खान पर भी लगवाया था। अब उससे भी कुछ पैसे की लेन देन करके उसके बयान बदल दिए हैं और वो बरी हो गया उस केस में। अब ऐसे मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ भाई साहब। अब अगर मैं मेरे खिलाफ़ में ऐसे ही FIR करती रही, धमकी देती है, मुझसे पैसे ही मांगती है, तो मैं मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं क्या करूँगा? इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं इस प्रकार से दोनों पक्षों की तरफ से आवेदन आए हैं, वो पति ने पत्नी के विरुद्ध और पत्नी ने पति के विरुद्ध आवेदन दिया है। कोतवाली थाने में दोनों आवेदन हैं और उनकी जाँच की जा रही है और जाँच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।